लटेरी के ग्राम बूढ़ा खेड़ी में एक दिन पहले गजराज सिंह मीणा के साथ बीरपुर निवासी दूसरे समुदाय के लोगों ने हत्या के नियत से ट्रैक्टर चला दिया था। मामला वन भूमि पर अवैध कब्जे का था। गजराज गंभीर रूप से घायल होने के बाद पहले विदिशा और बाद में भोपाल रेफर किए गए। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा और अन्य कार्यकर्ता के साथ मीणा समाज और बघेल समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गजराज मीणा पर हुए जानलेवा हमले के हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए जो बूढ़ा खेड़ा ग्राम के गजराज सिंह मीणा के साथ जो घटना घटित की गई है बेधर्मियों द्वारा, ट्रैक्टर से उनको कुचला गया है। बीरपुर के जो बेधर्मी थे उन्होंने मिलकर साजिशन उन पर हमला किया और उनको मतलब आज जीवन और मरण के मौत के मुंह में वो लगभग पड़े। यहाँ से रेफर करके उनको भोपाल भेज दिया गया है गजराज सिंह जी को। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन, जो कुंभकर्णी नींद में सोया है, जो मुरवास में जो घटना घटित हुई, हमारे संतराम जी जो वाल्मीकि समाज के थे उनके बाद शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। क्या ऐसे ही रवैया चलता रहेगा? ये बेधर्मी लोग ऐसे ही हमला करते रहेंगे हिंदू समाज पे? मैं कहना चाहता हूँ कि हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।